बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो ना, एक ऐसे मोबाइल फ़ोन के साथ जिसकी स्क्रीन टूटी हुई हो। मेरे पास भी एक ऐसा ही फ़ोन था और मैंने उसी फ़ोन से ये मिस्टर हाउ चैनल क्रिएट किया था और आज आपके सामने है। मैं बस इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ कि जीरो स्टेप से, पहले स्टेप से आप अपने मोबाइल फ़ोन से लेटेस्ट सेटिंग के साथ लेटेस्ट तरीके से एक बेस्ट चैनल कैसे बना सकते हो, फिर उसकी बेस्ट सेटिंग कैसे कर सकते हो, ईच एंड एवरी थिंग इस वीडियो में पहले स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक सब कुछ सिखाने जा रहा हूं। इसलिए एक एक चीज को गौर से देखो, सीखो, समझो, उसके बाद वीडियो को चाहे दोबारा से प्ले करो, एक एक चीज साथ देखो, साथ साथ वो क्रिएट करो, साथ साथ देखो, साथ साथ क्रिएट करो। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये वीडियो आपका पहला स्टेप हो और इस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह करे कि आपका चैनल मिस्टर हाउ के चैनल से भी बहुत ज्यादा ऊपर जाए। तो चलिए पहले स्टेप को स्टार्ट करते हैं, गौर से सीख के समझ के एक एक चीज, प्रोफेशनल बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स अपनी सेटिंग्स में करते हैं, चैनल्स में करते हैं, उसी के साथ लाइक, कमेंट, फॉलो, सब्सक्राइब, जो दिल है यार करो ना करो, लेकिन अपने लिए पहला स्टेप बड़े ही गौर से ध्यान से समझ कर लेना। और चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है और यहां पर लिखना है क्रिएट गूगल अकाउंट। अब हम गूगल अकाउंट क्यों नया बना रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो साथ ही उसकी डेट आती है, तो जब हमारा एक फ्रेश गूगल अकाउंट होगा तो उसकी फ्रेश डेट आएगी और साथ में इसकी सारा बैकअप भी हम ले लेंगे। क्रिएट अ गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर आपने फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दे देने हैं। अपने चैनल का देना चाहें तो वो भी ठीक है, या अपना देना चाहें या कोई भी देना चाहें। अब यहां पर फर्स्ट लास्ट नेम देने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद ये आपको एक ईमेल एड्रेस देगा। यहां पर आपने क्या करना है, क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस। याद रखिएगा, जो भी आप चैनल का नाम लिखें या चैनल का नाम रखें उससे मिलती जुलती ईमेल आप कभी भी ना रखें, बल्कि एक टेढ़ी मेढ़ी ईमेल आप रख सकते हैं जो कोड वर्ड टाइप हो, जो आपके अलावा किसी को ना पता हो, ताकि आपकी ईमेल किसी की एक्सेस में ना जाए या कोई सोच भी ना सके कि आपकी ऐसी मेल होगी। tang@gmail.com, ठीक, trollme@gmail.com या इस तरह का कुछ भी। उसके बाद जनाब आपने यहां पर पासवर्ड देना है, उसी पासवर्ड को यहां कंफर्म कर लेना है। पासवर्ड में भी आप ABC जिस तरह होता है, ठीक है, उसके बाद 123 और उसके बाद .com, ये वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, स्लैश या इस तरह की चीजें, ताकि आपका एक स्ट्रॉन्गर पासवर्ड हो। पुराना कोई भी ईमेल जिसको आप रिकवरी रखना चाहें, यानी कि आप पासवर्ड ईमेल भूल जाएं, तो उस मेल पे आपको पासवर्ड भेज दिया जाएगा, तो वो आपकी मर्जी है, यहां पर लिख दीजिए। अब यहां पर फोन नंबर आप दे सकते हैं, यहां पर आप अपना फोन नंबर देंगे जिससे 2-step वेरिफिकेशन ऑन हो जाएगी। उसके बाद यहां पर नीचे आके आई एग्री के बटन पर क्लिक कर देना है। तो ये हो गया आपका गूगल अकाउंट क्रिएट। अब आपने बिल्कुल बैक आ जाना है और यूट्यूब की एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। यहां पर आपने कोने में आ जाना है और कोने में आके यहां पर स्विच अकाउंट के बटन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर वो आपको आपकी ईमेल्स दिखाएगा जो पहले से साइन इन है आपके फोन में, या प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो हमने नई ईमेल क्रिएट की है वो आपने दे देनी है। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपने पासवर्ड दे देना है। और एक और चीज आप याद रखिए कि यही ईमेल और पासवर्ड अपने किसी सफे पर लिख लीजिए, जो रिकवरी फोन नंबर ऐड किया था वो भी किसी सफे पर लिख लीजिए, क्योंकि मोबाइल फोन में आपने ये नहीं लिख के रखना, क्योंकि मोबाइल फोन का डाटा बहुत सी एप्लीकेशंस आपकी लेती हैं। जी जनाब, तो अब हमारा नया अकाउंट हो चुका है लॉग इन। अब यहां पर हम यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर नीचे क्रिएट अ चैनल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब यहां पर यह कह रहा है कि पिक्चर, नेम, हैंडल, ठीक है। नेम आपने हमेशा याद रखिएगा, पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि जो भी आप नाम रखना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल का, एक नया और यूनिक नाम रखें, ताकि आपका चैनल जब ग्रो करे तो उस नाम से आपका कोई कंपेटिटर ना हो या पहले से कोई चैनल ना हो और जिसका हैंडल भी आपको इजीली मिल जाए। मैं सेव के बटन पर क्लिक करता हूं। अब यहां पर हैंडल ये देखें कि हाउ सक्सेस, मुझे हैंडल पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि इस पे मुझे पता है पहले से चैनल होंगे, ठीक है। तो ये अगर आप सेव करते हैं तो ये देखें, ये कह रहा है कि नहीं, यहां पर ये हैंडल सेव हो जाएगा, जिस तरह आपका कोई भी youtube.com/@realmrhow, ये मेरे चैनल का एड्रेस है, इसी तरह आपका ये हैंडल जो होगा ये आपके चैनल का एड्रेस होगा। तो हैंडल आपने बहुत ही खूबसूरत रखना है। अगर आपका नाम चैनल का यूनिक होगा तो आपको प्रॉपर वो हैंडल भी मिल जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं यूनिक और अच्छा नाम रखें। तो सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। पिक्चर क्यों नहीं लगा रहे, ये आगे बताता हूं। क्रिएट चैनल के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो ये जनाब हमारा चैनल क्रिएट हो चुका। अब हम यू पे अगर आते हैं और यहां पर व्यू चैनल, ये हमारा चैनल आ चुका है हाउ सक्सेस। और यहां पर ना एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है कैनवा की, जिसपे हम लोगो और बैनर बनाएंगे। ऊपर आपने सर्च कर लेना है लोगो,
यहाँ आपका चैनल जिस चीज़ से रिलेटेड है, क्लोथिंग, गेमिंग, फोटोग्राफी, अथेंटिक, मोटिवेशनल, कुकिंग, जो भी रिलेटेड है उससे रिलेटेड कुकिंग लोगो आप सर्च कर सकते हैं या इस तरह का कुछ भी। मैं फॉर एग्जांपल सक्सेस से रिलेटेड लोगो यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगो आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन ये पेड है तो हम पेड की तरफ नहीं जाएंगे, हम फ्री वाले के जाएंगे। यहाँ पर ये एक लोगो है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसमें ये फाइनेंस की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, ऊपर इस लोगो को ऊपर नीचे कर सकते हैं, छोटा बड़ा फॉर एग्जाम्पल आपने करना है तो छोटा बड़ा करके ये इसको मिड में कर सकते हैं इस तरह से। ठीक, फाइनेंस की जगह कुछ और ये सामने जो लगा हुआ है यहाँ पर कुछ और लगना है। एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स, सर्कल लानी है, लाइन लानी है, यहाँ पर ऊपर आप कुछ भी सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल आग लानी है, फायर लानी है, तो वो यहाँ सर्च करेंगे तो कुछ भी आप अपने लोगों में डाल सकते हैं, खुद से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे टैग लाइन देनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, या फिर आप प्लस के बटन पर जाके यहाँ पर टेक्स्ट इस तरह के भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ऑर्डर नाउ इस वाले पे क्लिक करता हूँ जनाब, ठीक है, तो इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर HS सिर्फ लिख देता हूं, तो मैंने यहां से ये सिर्फ HS लिख दिया। ठीक है, अब इसको मैं उठा के सिंपली मैं यहां पर ला दूंगा, तो यहां से आप प्यारा सा लोगो बना सकते हैं। ये तो मैंने अभी सिर्फ डेमो में दिखाने के लिए वो किया है, तो यहां पर इसको सेव कर लेंगे प्यारा सा बना के, अपने एलिमेंट्स जो फिट फिट लगाने हैं वो फिट फिट से एलिमेंट लगा के लोगो सेव कर लेंगे। अब हम दोबारा यहां कैनवा पे आ जाएंगे, चैनल बैनर लिख के हम सर्च करेंगे, तो यहां बहुत सारे ये देखें आपके पास चैनल बैनर आ गए जो कि बिल्कुल फ्री में भी हैं। अब फॉर एग्जांपल ये फ्री वाला, इस पे मैं क्लिक करता हूं, इसमें अब ये पिक्चर है, इस पिक्चर की जगह मैं अपने पिक्चर रिप्लेस कर सकता हूं। रिप्लेस के बटन पर क्लिक करूंगा, अपनी गैलरी में से अपनी पिक्चर उठा लूंगा। फॉर एग्जांपल मैं ये पिक्चर सिलेक्ट करता हूं जनाब, यहां पर ये देखें कि इसके बीच में ये पिक्चर लग गई। ठीक है, इस तरह आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। उसके बाद ये एवरी है, यहां पर मैं लिख देता हूं हाउ, और यहां पर ये मैं सक्सेस लिख देता हूं जो मेरे चैनल का नाम है। इसको आप फिर छोटा बड़ा भी आप अपनी उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अब ये बड़ा हो रहा है, तो यहां पर जूम इन करके ये जो पीछे वाला वाइट है इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे और यहां पर इसको यहां पर ले आएंगे। यहां पर ऊपर सब्सक्राइब नाउ है, यहां पर ये गेमिंग चैनल है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको डिलीट भी कर सकते हैं, यहां पर इसको डिलीट कर सकते हैं, इसकी जगह कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें। ठीक है, सब्सक्राइब नाउ के बटन को यहां पर फॉर एग्जांपल मैं ले आता हूं, तो आप अपनी मर्जी से इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये है, आप यहां पर अपनी ईमेल लिख सकते हैं या इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये ईमेल का वो आइकन भी बना हुआ है, इसको भी डिलीट कर सकते हैं और इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये दोनों चीजें हमने कर ली डाउनलोड। अब हम क्या करेंगे भाईजान, अब हम जाएंगे दोबारा गूगल में, और गूगल में जाकर सिंपल आपने लिखना है यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब लिखकर सर्च करना है, क्योंकि अब हम जो कंप्यूटर पे यूट्यूब का स्टूडियो आता है वो यहां पर खोलेंगे, क्योंकि उसी स्टूडियो से सबसे बेस्ट और सारी सेटिंग ईच एंड एवरीथिंग होती है। अब यहाँ पर ऊपर आपने तीन डॉट्स पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे आपने क्लिक कर देना है। डेस्कटॉप साइट में ये कंप्यूटर के हिसाब से खुल गया। अब यहाँ पर जूम इन करके आप यूट्यूब पे क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पर ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप कर देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये नीचे देखें नए टैब में ग्रुप में ये आ गई। अब इस पे क्लिक कर देना है आपने और ये यूट्यूब आ गया। अब यहाँ इसको भी यहाँ पर डेस्कटॉप साइट आपने क्लिक कर देना है। ये डेस्कटॉप साइट जिस तरह कंप्यूटर में नजर आता है वैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने दोबारा इसको जूम इन करना है, कोने में जाना है और इस पर क्लिक करना है। क्लिक करना है जब आप, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन पे ओपन इन अ न्यू टैब, ठीक है, ओपन इन अ न्यू टैब, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ये ऊपर टैब पे क्लिक करेंगे तो यहां पर नई टैब आई होगी, उस पे क्लिक कर देना है। तो ये जनाब हमारा स्टूडियो आ गया, जिस तरह कंप्यूटर में आता है नए चैनल का। ये आप देखें यहां पर ये सारा वही डैशबोर्ड, कंटेंट एनालिटिक्स, ठीक है, ऑडियो लाइब्रेरी, और यहां सबसे नीचे जाके सेटिंग्स, सेंड फीडबैक, यहां पे कॉपीराइट और कस्टमाइजेशन, यहां पर ऊपर ये वो चैनल के ऑप्शन सारे, सिंपल सारा आपका जिस तरह कंप्यूटर में लैपटॉप में चैनल आता है सारा यहां से आपका खुल गया। अब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाके आपको समझाता, क्योंकि यहां पर आपको मोबाइल में छोटा दिखेगा और मोबाइल पर भी आपका सारा वही स्क्रीन मैंने आपको खोल दिया। यहां पर आप जूम इन करेंगे और जूम इन करके किसी भी ऑप्शन को गौर से पढ़ सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास सारा सेम वही स्टूडियो आ गया। यहां सबसे पहले कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शन वही है, मोबाइल से आप कर सकते हैं। यहां पर हम आ जाएंगे सबसे पहले बेसिक इन्फो में। बेसिक इन्फो में यहां पर नेम हमने वही रखना है। उसके बाद यहां पर हैंडल आपने चूज कर लेना है। हैंडल मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपने यूनिक नेम रखना है ताकि आपको हैंडल मिल जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं मिस्टर हाउस सक्सेस रख देता हूं। उसके बाद यहां पर नीचे आ जाएगी डिस्क्रिप्शन। ये यहां पर ये देख लें हैंडल अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आके यहां पर आपने अपने चैनल के अबाउट लिखना होता है कि मेरा चैनल किस बारे में है, किस चीज के बारे में है, या मेरे चैनल पर क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद यहां पर ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग में यहां पर लोगो और उसके बाद बैनर इमेज है। तो सबसे पहले हम लोगो बैनर इमेज जो हमने बनाई हुई थी वो यहां पर अपलोड करेंगे। अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, हमने लोगो यहां से सिलेक्ट कर लिया। इसको यहां से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि पिक्चर में क्लियर वो आए। ठीक हो गया। यहां से आप अपना प्यारा सा लोगो बना के
यहाँ से डन के बटन पर क्लिक करेंगे, आपका लोगो सेट हो गया। उसके बाद बैनर इमेज पे अपलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, बैनर इमेज सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, बैनर इमेज जो है ये थोड़ी सी सही नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ये व्यू ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे ऐसी आएगी, टीवी पे ऐसी आएगी और यहाँ पे मोबाइल पे ऐसी आएगी, ठीक हो गया। तो इसलिए हमारी ये थोड़ी आगे पीछे है, तो ये कैनवा में आपने दोबारा से जाके कोई अच्छा सा कर लेना है। ये तो मैंने आपको वो बनाने के लिए किया, तो आपने प्रॉपर उस तरीके का कर लेना है ताकि मोबाइल उसमें सारा कुछ फिट आए, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सही तरह से कि सब चीज़ों में फिट नज़र आ रहा है, जो जो लिखा हुआ वो सही नज़र आ रहा है। उसके बाद डन के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे वीडियो वाटर मार्क आता है, थ्रू आउट द वीडियो, पूरी वीडियो में जो चल रहा होता है यहाँ पर नीचे आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं या सब्सक्राइब का बटन कई लोग लगाते हैं, ठीक है। तो वो 150x150 का होता है, वो कहाँ से मिलेगा, गूगल पर। आपने सबसे पहले चले जाना है गूगल पर, जाके यहाँ पर लिखना है 150x150 सब्सक्राइब बटन, ये लिख के आप सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इमेजेस पे आएंगे, इमेजेस पे आने के बाद यहाँ पर कोई भी इमेजेस पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, ये 1250x1250 है, कोने में लिखा हुआ है, ये नहीं, यहाँ पर ये है, ये 150x150 आ रही है, इसको आपने सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। बाद यहाँ पर अपलोड में वो रख देंगे जो आपने डाउनलोड किया होता, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर ये लगा दिया, डन किया, और ये पूरी वीडियो में आपका चलता रहेगा। यहाँ पर इंटायर वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो नहीं, इंटायर वीडियो नीचे सेलेक्ट करके इसको ओके आपने कर देना है। 7-3 जो आ रहे हैं यहां पर इंटायर वीडियो सेलेक्ट करना है। उसके बाद बेसिक यहां पर डिस्क्रिप्शन आ जाती है। अब डिस्क्रिप्शन में आपका चैनल किस बारे में है, किस चीज का है, ये सारी चीजें, अब ये आपको अगर लिखनी नहीं आती आप दूसरों के चैनल से आइडिया ले सकते हैं। अगर फिर भी लिखनी नहीं आ रही तो यहां पर आपको सिंपल हल बता देता हूं। हम यहां पर चैट जीपीटी में आ जाते हैं और इसको कहते हैं राइट शॉर्ट चैनल डिस्क्रिप्शन फॉर मी, ठीक है। माई चैनल नेम, यहां पर आपने अपने चैनल का नाम बता देना है और बता देना है कि आपका चैनल किस बारे में है, और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसको कहना है ताकि वो आपको उस तरह की बता दे। और साथ ये बताना है कुकिंग रिलेटेड है, गेमिंग से रिलेटेड है, उस बारे में आपने बता देना। जैसे ही आपने वो किया तो ये आपको इसने लिख कर दे दिया सिंपल सा, ठीक है। आपके चैनल से रिलेटेड, के सक्सेस से रिलेटेड, ये वो, इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, यहां से जनाब इसको कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद यहां पर आके आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे यहां पर जो हैशटैग्स हैं इनको आप रिमूव भी कर सकते हैं या अपनी मर्जी की। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कोई कुरानी आयत लगाता हूं, बिस्मिल्लाह लगाता हूं, या इस तरह की आप कोई चीज लगाना चाहते हैं तो वो आप गूगल से जाकर कॉपी करके यहां पर पेस्ट भी कर सकते हैं, या अपनी मर्जी से जो आप लिखना चाहें तो वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर नीचे लिंक्स आ जाते हैं। लिंक्स में यहां पर फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक करता हूं तो फेसबुक यहां पर मैं लिखूंगा, उसके आगे यहां पर फेसबुक का अपना एड्रेस दे दूंगा। तो यहां पर ये मैंने फेसबुक का लिंक दे दिया। उसके बाद यहां पर नीचे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कोई भी लिख के दूसरा कोई चैनल है उस पर आगे लिंक डाल सकते हैं ताकि आपके लिंक्स आए और कोई भी उस पर क्लिक करके आपके बाकी सोशल मीडिया पर भी जा सकता है। उसके बाद जनाब नीचे आ जाती है ईमेल। ईमेल के बारे में गौर से सुनिएगा कि यहां पर जो आपने ईमेल देनी है वो आपने चैनल की नहीं देनी बल्कि आपने कोई भी दूसरी वाली ईमेल देनी है। ये भी आपको एक सीक्रेट चीज बता रहा हूं जो बाकी शायद लोग आपको ना बताते हो, ताकि कोई भी आपको इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सके प्रमोशन के लिए, या आपकी ऑडियंस आपको कांटेक्ट करती है तो यहां पर आपकी ईमेल आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब ब्रांडिंग होगी। लेआउट में यहां पर अगर आप आएंगे तो यहां पर चैनल का ट्रेलर, जब आपकी वीडियोज होंगी तो यहां पर चैनल ट्रेलर, जब आप चैनल ओपन करते हैं किसी की तो वीडियो ऑटो प्ले हो जाती है, यहां पर आप वो ऐड के बटन पर क्लिक करके आपके सामने वीडियोज जितनी भी आपकी होंगी उसमें से कोई भी वीडियो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर फीचर, ये भी वही ऑप्शन है, ठीक है, सामने आपका आएगा, ठीक है। ये आपको मैं बाद में बताता हूं कि ये आपको कहां से आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं। पब्लिश के बटन पर क्लिक कर देंगे भाईजान। कस्टमाइजेशन हो गई जनाब। अब हम आ जाते हैं सेटिंग्स पर। सेटिंग का नीचे ऑप्शन आएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। यहां पर जर्नल यूएसडी करेंसी, ठीक है, चैनल यहां पर, बेसिक इन्फो, कंट्री ऑफ रेजिडेंट यहां पर पाकिस्तान लिख देना क्योंकि आपकी आईपी पहले यूट्यूब को पता होती है। उसके बाद यहां पर नीचे कीवर्ड्स देने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका चैनल है मोटिवेशन के बारे में तो यहां मोटिवेशन से रिलेटेड कीवर्ड्स, कुकिंग के है तो कुकिंग से रिलेटेड, गेमिंग है तो गेमिंग से रिलेटेड। कीवर्ड्स कहां से निकाले मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आपने YouTube में आ जाना है और YouTube में आके ऊपर सर्च का ऑप्शन है, ठीक है। सर्च के ऑप्शन में आप अपने कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सक्सेस करता हूं तो सक्सेस मोटिवेशन ये मैं डाल सकता हूं। अब सक्सेस ट्रेलर ये आप कीवर्ड नहीं डाल सकते क्योंकि ट्रेलर्स के बारे में नहीं है, लोग जो ज्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुल ग्रेटिट्यूड, सक्सेस स्टोरी, सक्सेस स्टेटस, सक्सेस साउंड ट्रैक, ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है, ये इस तरह कीवर्ड्स। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपका कुकिंग के बारे में है तो मैं यहां पर कुकिंग लिखता हूं तो ठीक है कुकिंग। अब कुकिंग के साथ जिसका किसी दूसरे चैनल का नाम लिखा हुआ तो किसी दूसरे चैनल का नाम अपने अपने कीवर्ड्स में कभी भी नहीं डालना, हमेशा याद रहे, बहुत सारे लोग गलती करते हैं। कुकिंग, कुकिंग वीडियोज़,
कुकिंग रेसिपीज, कुकिंग चैलेंज, उसके बाद कुकिंग शॉर्ट्स, कुकिंग क्रश, कुकिंग चैनल, ठीक है, इस तरह के आप कीवर्ड्स, ठीक है। और उसके बाद ये कीवर्ड्स खत्म होंगे तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेस्ट कुकिंग मैं करता हूँ, बेस्ट कुकिंग यहाँ पर ये देखें तो बेस्ट कुकिंग रेसिपी, बेस्ट कुकिंग रेसिपीज, बेस्ट कुकिंग ऑयल, ठीक है, बेस्ट कुकिंग वीडियो, बेस्ट कुकिंग गेम्स, ठीक है। तो ये आप साथ एक एक वर्ड और या बेस्ट रियल इस तरह के वर्ड्स ऐड करके, या हाउ टू का तो हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, ठीक है, तो वो आप उस तरह के साथ वर्ड्स ऐड करके इस तरह के कीवर्ड देख लेंगे और उन कीवर्ड्स को आके आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या आप खुद से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल इधर के भी डाल दिए, उधर के भी डाल दिए, उधर के भी नहीं, टू द पॉइंट टारगेटेड। अगर मैं सक्सेस मोटिवेशन के बारे में तो उसी के बारे में, गेमिंग है तो गेमिंग के बारे में, ये नहीं कि GTA गेमिंग भी आ रही है, फ्री फायर गेम भी आ रही है, फला गेम भी आ रही है, नहीं, स्पेसिफिक टू द टॉपिक, एक जर्नल सा एक टॉपिक रखें और उसको स्पेसिफिक करें। फॉर एग्जांपल कुकिंग है तो कुकिंग, ये नहीं कुकिंग आलू पराठा, कुकिंग ये तो कुकिंग वो, तो इसलिए टू द पॉइंट और उस तरह के कीवर्ड्स आपने यहां पर सारे डाल देने हैं। आपके कीवर्ड्स बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, 20-25 कीवर्ड्स बहुत ज्यादा मैक्सिमम है, ठीक है, इससे कम हो, ज्यादा इतने नहीं, क्योंकि वो बहुत खराब हो जाती है चीज। उसके बाद एडवांस सेटिंग आ जाती है। एडवांस सेटिंग में आपका चैनल बच्चों के बारे में, अगर आपका चैनल कार्टून्स के बारे में है तो आप यस दिस चैनल मेड फॉर किड्स, ठीक है, यहां पर आप वो करेंगे, नो है तो नो, या फिर आई वॉन्ट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियो, तो हम नो कर देते हैं। अगर आपका बच्चों का कॉन्टेंट पोएम्स वगैरह या अलिफ बे या बच्चों वाला नहीं है तो आप इसको नो ही करेंगे। उसके बाद अलाउ व्यूवर्स टू क्लिप माई कॉन्टेंट, मेरे कॉन्टेंट से कोई क्लिप बना सकता है शॉर्ट्स के? जी बिल्कुल बना सकता है, इससे आप वायरल ही हो गए भाई जान, इसको अलाउ ही करो। उसके बाद फीचर एलिजिबिलिटी, फीचर एलिजिबिलिटी, स्टैंडर्ड फीचर सारे एलिजिबल हैं, इंटरमीडिएट फीचर जो एलिजिबल हैं इसके लिए वेरीफाई फोन नंबर करना पड़ता है, तो वेरीफाई फोन नंबर के बटन पर आपने क्लिक करना है जनाब। यहाँ से फोन वेरीफिकेशन होता है, यहाँ से पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करके यहाँ पर आपने अपना फोन नंबर देना है, ठीक है, +92 या 92, आगे 3 से स्टार्ट करना है और नंबर देना है। अगर आपका क्योंकि कुछ टाइम हुआ है कि ये 2-3 महीने हो गए ये प्रॉब्लम एक आ रही है, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी जल्दी, कि नंबर वेरिफिकेशन में मसला आ रहा है, ठीक है, तो उसमें उसके लिए आप टेलीनॉर, यूफोन या PTCL का अगर यूज करते हैं तो उसमें ज्यादातर लोगों के सक्सेस हो जाती है। यहां पर आपने नंबर लेके गेट कोड के बटन पर क्लिक करना है, जो कोड आएगा वो एंटर करना है, उसके बाद आपका ये फीचर भी एलिजिबल, यानी कि 15 मिनट से ऊपर आप वीडियोज बना सकते हैं, थंबनेल्स अपने लगा सकते हैं, इसके अलावा आप अपने थंबनेल नहीं बना सकेंगे या लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकेंगे, तो ये आपने लाजमी नंबर वेरिफिकेशन, मैं अभी आपको नंबर यहां पर शो नहीं कर सकता। उसके बाद एडवांस फीचर, ठीक है, ये भी आपकी वो वेरिफिकेशन होगी, तो उसके बाद ये भी सारे वेरिफिकेशन फीचर्स आपको एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद अपलोड डिफॉल्ट्स है, अपलोड डिफॉल्ट्स में यहां पर टाइटल अपलोड डिफॉल्ट हमने नहीं करना कभी भी, सारी वीडियो का टाइटल सेम हो तो उसमें मोनेटाइजेशन आपकी कभी ऑन नहीं होगी। उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हमारी सेम नहीं होती, लेकिन डिस्क्रिप्शन फॉर एग्जांपल, अब फॉर एग्जांपल ये मेरा चैनल खुला हुआ है, यहां पर ये देखें कि मेरी डिस्क्रिप्शन में, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर इसको मैं कॉपी करता हूं और यहां पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब मैं डिस्क्रिप्शन कैसे रखता हूं, अब ये आपने एक जर्नल सी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू, आगे आपने चैनल का नाम दे देना है, वेलकम टू दिस चैनल, ठीक है, दिस वीडियो इज अबाउट, आगे यहां पर ये सारे मैं डॉट डॉट डाल देता हूं, ठीक है, ये मेरी जर्नल डिस्क्रिप्शन सेटिंग में हुआ है, ठीक है। नीचे टू ज्वाइन अवर पेड कोर्सेज, यहां पर मैंने नंबर दिए, आप यहां पर दे सकते हैं, ऑल्सो फॉलो अस, ये देखें जिस तरह मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वो, ठीक है, ब्ला ब्ला। अब यहाँ पर अबाउट के आगे जो मैंने 3 डॉट डाले हुए हैं, तो जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन ये मुझे ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएगी, तो मैं क्या करता हूँ ये 3 डॉट हटा के दिस वीडियो इज अबाउट किस बारे में आगे मैं वो थोड़ा सा लिख देता हूँ बस, ठीक है, जर्नल सा, जिस तरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस वीडियो इज अबाउट ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद टैग्स, ये भी आपने किसी के वो नहीं रखने, सिर्फ हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन करनी है। एडवांस सेटिंग में आ जाते हैं, लाइसेंस, यूट्यूब स्टैंडर्ड लाइसेंस, कैटेगरी, यहाँ पर आपकी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे, ऑटोज एंड व्हीकल, गाड़ियों के बारे में, कॉमेडी के बारे में तो कॉमेडी के बारे में, एजुकेशनल कंटेंट, मेरा कंटेंट जो है वो एजुकेशनल होता है, कुछ सीखने सिखाने का तो वो एजुकेशनल है, एंटरटेनमेंट अगर आपका हंसने हंसाने, ड्रामा मूवी, ठीक है, वीलॉग्स, ये एंटरटेनमेंट है सारी, ठीक है, फिल्म एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू एंड स्टाइल, अगर आपको कोई कैटेगरी समझ ना आ रही हो तो आप पीपल एंड ब्लॉग्स रख सकते हैं, ठीक है, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, अगर आपकी खबरों के बारे में या इस तरह की चीजों के बारे में, तो यहां पर आप कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर वीडियो लैंग्वेज आपकी कौन सी है, यहां पर आप उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है तो वो आप यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि आपकी उस कंट्री में उस लैंग्वेज के हिसाब से वीडियो रैंक हो, ठीक है। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज ये हमारे
हमारे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में रखते हैं तो यहाँ पर हम इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि यूट्यूब को पता हो कि ये टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन किस लैंग्वेज में लिखता है, अंदर वीडियो की कौन सी लैंग्वेज होती है, ताकि उसी रीजन में आपको वो रैंक भी करे, आपके चैनल को प्रमोट भी करे। बाद यहाँ पर परमिशन आता है, परमिशन में अगर आप इस चैनल का कोई मैनेजर रखना चाहते हो, किसी और को एक्सेस देना चाहते हो, तो इनवाइट के बटन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर उसकी ईमेल डालोगे, यहाँ पर एक्सेस सेलेक्ट करोगे, उसको मैनेजर देनी है, एडिटर या सबटाइटल एडिटर, वीवर या वीवर लिमिटेड, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर रखता हूं तो उसके पास भी एक्सेस चली जाएगी, वो कंटेंट को डिलीट कर सकता है, चैनल को डिलीट नहीं कर सकता। यहां पर एडिटर लिमिटेड है, तो यहां पर वो आपका रेवेन्यू भी नहीं देख सकता और आपके चैनल को कुछ डिलीट नहीं कर सकता, सिर्फ एडिट कर सकता है और ये चीजें वो कर सकता है थोड़ी बहुत ही, ठीक है। तो ये आप एक्सेस यहां पर करोगे, ऊपर ईमेल दोगे तो उसको ईमेल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और वो एक्सेप्ट करेगा, तो यहां पर वो उस रोल में आ जाएगा। उसके बाद नीचे कम्युनिटी है, कम्युनिटी में यहां पर एक नीचे ऑप्शन आता है यहां पर ब्लॉक वर्ड्स का, तो यहां पर आप फॉर एग्जांपल गालियों वाले वर्ड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि कोई भी कमेंट में कोई गाली लिखता है या कोई गलत चीज लिखता है तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसके कमेंट को डिलीट कर देता है या लोगों को शो ही नहीं करता, ठीक हो गया। तो ये चीज आप कर सकते हो। उसके बाद एग्रीमेंट्स है, सेव कर देंगे सिंपल। उसके बाद आप कोई भी वीडियो डालते हो तो वीडियो को कैटेगरी वाइज आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये मेरा चैनल है तो ये प्लेलिस्ट में आए तो ये मेरी सारी वीडियोस कैटेगरी के हिसाब से होती है, एआई की, अमेज़न गाइड, ठीक है। यहां पर ही आपको यूट्यूब की कैटेगरी, यूट्यूब गाइड की मिल जाएगी कैटेगरी, जिसमें यूट्यूब से रिलेटेड सारी वीडियोज हैं, यहां पर मोबाइल फोन से रिलेटेड सारी वीडियोज हैं, यहां पर ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। इस तरह की आप प्लेलिस्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो यहां पर चैनल में आओगे और यहां पर कंटेंट में आके यहां पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, यहां पर न्यू प्लेलिस्ट पे बटन पे क्लिक करोगे, यहां प्लेलिस्ट का टाइटल फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कुकिंग का अगर आप है, फास्ट फूड की आप रेसिपी बना सकती हैं, ठीक है। उसके बाद देसी जो हमारा होता है खाना, उसको बना सकते, पाकिस्तानी डिशेज, इंडियन डिशेज या इस तरह की चीजें, ठीक है। इस तरह गेमिंग में आप फ्री फायर, पबजी, ये वो, ठीक है। इस तरह एंटरटेनमेंट में मजाक, हंसी मजाक, ये मोटिवेशन से रिलेटेड जो वीडियो डालता हूँ उसकी एक अलग प्लेलिस्ट हो तो क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर ये मोटिवेशन से रिलेटेड प्लेलिस्ट होगी। जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें प्लेलिस्ट मैं सेलेक्ट करूंगा, मोटिवेशन वो ऑटोमेटिकली उसी प्लेलिस्ट में चली जाएगी, ठीक हो गया जनाब। उसके बाद यहाँ पर अर्न का ऑप्शन आता है, ठीक है, जिससे आप कमाओगे। तो अर्न के ऑप्शन को देख लेते हैं, बिकम अ पार्टनर। जब आपके चैनल के 4000 घंटे वॉच टाइम, ठीक है, पिछले 365 दिनों में, ये बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर एक साल में मेरे 4000 घंटे ना पूरे हुए तो फिर क्या होगा, तो ये मतलब नहीं होता कि एक साल जब आपका बना हुआ चैनल उसके बाद से एक साल तक पूरे होने चाहिए, ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज 30 जनवरी है या आज 5 फरवरी है या कोई भी डेट है, तो अगली 5 फरवरी तक उसके दरमियान 4000 घंटे पूरे हैं, जब मैं अप्लाई करूं, जब मेरे 4000 घंटे हो, तो उससे पिछले साल की डेट से इस साल की डेट तक अगर आपके 4000 घंटे पूरे हैं पिछले एक साल की डेट से, तो किसी भी टाइम आपके 4000 घंटे पूरे होते हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर सब्सक्राइबर हैं, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 10 मिलियन शॉर्ट्स पे आपके व्यूज हो तो तब, 4000 घंटे और 10 मिलियन में से कोई भी एक चीज हो जाती है तो वो, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर मस्ट है। वांट टू बी ईमेल व्हेन यू हिट दिस रिक्वायरमेंट, जब आपकी ये रिक्वायरमेंट हिट हो तो आपको हम ईमेल कर देंगे, इस पे क्लिक करें तो ये आपको ईमेल भी कर देंगे। उसके बाद कंप्लीट द बेसिक, ठीक है, 2-step वेरिफिकेशन आपको लाजमी ऑन करनी होती है। उसके बाद चैनल आपका रिव्यू में जाता है और उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। कितनी शुरू होती है हर चैनल के टॉपिक पे डिपेंड करता है कि हर चैनल की वीडियोस की अलग अलग, फॉर एग्जांपल $1 CPM भी होता है, $2 भी होता है, 0.50 भी होता है, शुरू में थोड़ा कम होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको ज्यादा मिलता है, और ये सब्सक्राइबर की बेस्ट पे नहीं बल्कि व्यूज की बेस्ट पे होता है। अब यहां से अगर हम बाहर से चैनल की लुक देखें तो ये आप देख सकते हैं, नीचे फेसबुक का वो लिंक भी आ गया, यहां से आपकी डिस्क्रिप्शन अबाउट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका अबाउट हो गया, यहां पर व्यू ईमेल एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपकी ईमेल एड्रेस जो आपने कॉन्टैक्ट के लिए दी है, नीचे आपका चैनल का वो सब कुछ, ठीक है। उसके बाद यहां पर ये देखें चैनल के नीचे मिस्टर हाउस सक्सेस @, ठीक है, ये आपका हैंडल आ गया। तो यही सारी वो बेसिक सेटिंग्स हैं। अगर आपको कोई कहता है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस है, ये लगता है, वो लगता है, तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। ये बेसिक्स, क्योंकि ज्यादा अगर आप ग्लिचेस करोगे, ज्यादा मसले करोगे तो चैनल को बर्बाद कर दोगे। मेन मुद्दे की सेटिंग्स करो, साफ सुथरी करो, ताकि यूट्यूब को समझने में आसानी हो, यूट्यूब का आपका चैनल उस कैटेगरी वाइज प्रोमोट करे। अब जब आप चैनल पर वीडियोज अपलोड करोगे उसके बाद वीडियोस की क्या सेटिंग होती है, व्यूज किस तरह आते हैं, किस तरह पता चलता है थंबनेल सही है नहीं है, व्यूज ज्यादा किस तरह आएंगे, कम किस तरह कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, यूट्यूब चैनल सेटिंग मिस्टर हाउ, तो आपको टॉप पे वीडियो मिल जाएगी, उसमें सारी मैंने सेटिंग, इसी तरह की लंबी वीडियो है जिसमें एक एक सेटिंग वीडियो की और उसके सारे व्यूज ऊपर नीचे करना सब कुछ मैंने करके दिखाया हुआ है। उसके अलावा एक और चीज भी आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर आते हो प्लेलिस्ट में, तो फ्री में यहां पर यूट्यूब गाइड की फुल प्लेलिस्ट है, जहां पर आपको यूट्यूब से रिलेटेड हेल्प मिलेगी, और
अगर आप चाहते हो कि किसी बच्चे को, बहन को, भाई को, किसी को भी बड़ा यूट्यूबर बनाना है, जीरो नॉलेज जिसके पास हो, जीरो से लेकर हीरो तक ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि आपको यूट्यूब पे कभी कुछ सर्च ही ना करना पड़े कि जनाब इस मसले का हल क्या है, या व्यूज नहीं आ रहे तो क्या करें, इतने व्यूज आ रहे हैं तो क्या करें, बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप हमारा कोर्स ले सकते हैं, यूट्यूब मास्टर कोर्स, पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूब का कोर्स है जिससे बहुत ज्यादा लोग सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, और पाकिस्तान की सबसे कम फीस में, जो कि वन क्लास के बच्चे की भी नहीं है। फीस इसलिए रखी है क्योंकि सब कुछ चैनल पे मेरे हमेशा फ्री होता है, लेकिन ये फीस इसलिए है क्योंकि ये कोर्स बहुत बड़ा है, बहुत नॉलेजेबल है, और अगर कोई नॉट इंटरेस्टेड, मैं यूं ही दे देता तो सारे नॉट इंटरेस्टेड आते और उसके बाद काम नहीं करना था, सिर्फ इंटरेस्टेड बंदों के लिए। इसके बाद बाकी यूट्यूब स्टूडियो, ये सारी चीजें, वो भी आपको सेटिंग्स और बाकी वीडियोज में मिल जाएंगी, और कोर्स में तो हर चीज है ना भाई, किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड, मोबाइल फोन से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, एडिटिंग वीडियोज, ये वो बनाना, उसको एडिट करना, रिकॉर्डिंग करना, हर चीज उसमें है, सेटिंग करना, व्यूज ज्यादा लाना, ये सब कुछ उस कोर्स में आपको मिल जाएगा। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, आपने काम किया होगा, अब यही चीज आप सुकून से बैठ के करें, साथ साथ वीडियो प्ले करें, साथ साथ अपनी सेटिंग्स करें, चैनल क्रिएट करें, और उसके बाद मेहनत करें, लगन करें। बाकी यूट्यूब का अगर आप कोर्स चाहते हैं, बेसिक से हीरो तक, जीरो से एडवांस तक, सिर्फ और सिर्फ मिस्टर हाउ पे नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता करके ले सकते हैं। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक, मर्जी है आपकी, लगे रहो, जुड़े रहो, मेहनत करो, एक दिन आपका भी आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना, अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टिल नेक्स्ट वीडियो दो में याद रखिए, अल्लाह हाफिज।